लोगों को गुमराह किया जाता है, हिंदू मुसलमान के धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाता है। इन लीडरों का कोई किसका खुद का कोई बेटा नहीं मरता, इनका खुद का कोई भी रिलेटिव नहीं मरता, आम लोग प्रताड़ित होकर मरते हैं। हिंदू मुसलमान के जो दंगे होते हैं जो मोलनाइजेशन के जरिए ही जो सरकारें बनाते हैं, कांग्रेस की सरकार आई थी उन्होंने भी ये मैनिफेस्टो में डाला था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करें, पर 5 साल में वो उन्होंने कोई काम नहीं किया। इनके पास जो मेन स्ट्रीम का मीडिया ना वो अपनी गलत चीजों को भी झूठ को भी ऐसे बोलते हैं जैसे वो सच हो। नमस्कार साथियों, इस वक्त हूँ मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर। यहाँ पर तमाम कर्मचारियों के संगठनों ने सामूहिक रूप से एक अखिल भारतीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया है और तमाम कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, तो सीधे उनसे ही बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र, मैं पंजाब से हूँ। तो हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं पुरानी पेंशन के लिए, जिसको हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इसको बंद करके गए और फुल सपोर्ट बाकी ऑपोजिशन पार्टी की सपोर्ट से, बाकी पार्टियां भी उतनी जिम्मेवार जितनी बीजेपी की सरकार। वाजपेयी जी खुद अपनी 7 पेंशन ले रहे थे, वो स्वर्गवास हो गए हैं, पर हमें एक पेंशन से वो हक था, वो उसके भी हमें जो होता ना वो हमारे से ले लिया गया। तो उसकी हमारी जो संगठन है बने हैं उसके तहत अखिल भारतीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा बना हुआ। तो ये आज राजस्थान में भी जो पेंशन बहाल हुई है उसमें जो TFRDA ने जो हमारा कॉर्पस था ना, जो कर्मचारी का जो फंड कटता था उसको रोक लगा दी है ना, जो PFRDA है ना वो सीधा से सीधा सेंटर से हेलो भाई अपना ले रहा है आज्ञा। आप किस उस पर पोस्ट में? हम आप जैसे कर्मचारी हो तो किस डिपार्टमेंट में हो? हम टीचर हैं। टीचर हाँ, पंजाब से। बात बताइए सर मुझे कि जैसे बीजेपी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पुरानी पेंशन बंद की तो उसके बाद में लगातार बीजेपी की सरकार कैसी बनती रही, क्या कर्मचारी में? तो इसमें जो लोग लुभावन वादे किए जाते हैं, सरकार जो मुलाजम की वोट थोड़ी होती है, लोगों को गुमराह किया जाता है, हिंदू मुसलमान के धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाता है, तो उसको जो पोलराइजेशन होता है उसके मद्देनजर ही ये सरकारें बनती हैं। पोलराइजेशन के बाद इनका इन लीडरों का कोई किसका खुद का कोई बेटा नहीं मरता, इनका खुद का कोई भी रिलेटिव नहीं मरता, आम लोग प्रताड़ित होकर मरते हैं। हिंदू मुसलमान के जो दंगे होते हैं जो मोलनाइजेशन के जरिए ही जो सरकारें बनाते हैं। वाजपेयी जी बंद करके गए, 10 साल से मनमोहन की सरकार भी रही, उन्होंने भी इसको लागू नहीं किया। तो दे रहा है दुरुस्त है राजस्थान की, इनकी सरकार ने, गहलोत सरकार ने इसको लागू किया, तो उसकी भी श्रेय उसको जाता है, कर्मचारी को देंगे भी श्रेय। वो वोटों में कन्वर्ट होता है या नहीं होता वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडा, पर ये जो हमारी जो संगठन बनाया ये टोटली गैर पॉलिटिकल है। तो हम तो अपने स्तर से मोर्चा संभाल ही रहे हैं, लेकिन आप एक टीचर होने के नाते ये बात समझाना पड़ेगा आपको समाज को, क्योंकि टीचर का एक समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि तमाम तरह से ये पार्टियां हिंदू मुस्लिम करके मेन मुद्दों से भटका रही हैं। क्या कितना सही है बात? प्रभाव आज की रैली से ले लिया, संकेतक रैली के लिए हमारा जो बयान होगा हम घर घर तक तो नहीं पहुँचा सका, उसके लिए एक विचारधारा होती है, जहाँ मान लीजिए एक मीडिया होता ना, तो आप ये देखिए जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया कोई आया ही नहीं है, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो अखबार है प्रिंट मीडिया है ना वो नहीं आ रहा है, वो जो एंटी सुबह शाम मतलब सोशल, आप सोशल मीडिया हो सर, आपका जो लिंक है कुछ लिमिटेड लोगों के तक ही है, हमारा भी जो सोच जो हमारा विचार है वो लिमिटेड लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, पर इनके पास जो मेन स्ट्रीम का मीडिया ना वो अपनी गलत चीजों को भी झूठ को भी ऐसे बोलते हैं जैसे वो सच हो और बाकी लोगों का सच जो है झूठ लगे। इस तरह का जो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की क्या पोजीशन है? शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, ठीक है, पर जो मेन मुद्दे हैं पंजाब में भी, जैसे पहले 2017 में कांग्रेस की सरकार आई थी उन्होंने भी ये मैनिफेस्टो में डाला था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करें, पर 5 साल में वो उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब नई सरकार है, नवी से नई सरकार बनी है, उन्होंने भी वैसे तो इस बार सभी सरकारों ने पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था, तो नई सरकार की जो चोन हुई है उसने भी डाला हुआ है। अभी 6 महीने तक तो मुलाजम वेट करेंगे, 6 महीने के ज़्यादा कोई भी उड़ीक जी है वो नहीं कर सकता, क्योंकि वायदे जो है उसकी कोई लिमिट होती है पूरी होने के, पहले भी 5 साल हमने काफ़ी देर इंतजार किया है, वैसे तो 2004 से ही उड़ीक कर रहे हैं, इसको जो है ख़त्म किया जाए। और भी सर हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम में क्या अंतर सर,
थोड़ा सरल भाषा में समझाइए जो आम दर्शक समझ सके, क्या फायदा हो जाएगा अगर पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाए। जो नई पेंशन स्कीम है उसमें जो मुलाजिम जमा करा रहा है पैसा, उसी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर हमें पेंशन लागू होगी। अगर 10 लाख जमा हुआ 5% के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट साल में बनेगा वो सिक्योरिटी नहीं है, हमको टोटल रिटर्न मिलेगा जो मार्केट वैल्यू होगी, जो हमारी रेट ऑफ रिटायरमेंट के लिए उसमें जो 60-40 की रेशो होगी, 60 मिलेगा 40 की वो पेंशन मिलेगी। और पेंशन वो ऐसी है जैसे हमारे कर्मचारी 2004 में मान लीजिए भर्ती हुए, आज वो रिटायर हो रहे हैं, किसको 1800 पेंशन मिल रही है, किसी को 2000 पेंशन मिल रही है। आप सिलेंडर का अभाव देख लीजिए, आप ये मेडिकल सुविधाएँ देख लीजिए, ये कितनी लाइट इलेक्ट्रिसिटी का बिल देख लीजिए कितना आ रहा है, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 58 की साल की उम्र में हम कहाँ गुजारा करेंगे, हम कौन सी लेबर कर सकेंगे, एक्स्ट्रा काम कहाँ कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे। ये जो नेता है 80-80 साल तक के 5-5 बार MLA है, 7-7 बार जो MP भी बने हैं, वो उतनी ही पेंशन ले रहे हैं और हमको कोई भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। वो नाम मात्र की पेंशन है, वो सिर्फ और न्यू पेंशन लिखा हुआ है, वो न्यू पेंशन नहीं है, वो नाम मात्र की पेंशन स्कीम। तो सर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो अभी तो हमारी जो सेंटर नेशनल लीडरशिप है अभी तो जा रहे हैं मार्च के लिए, अब जो व्यवस्था आगे की होगी वो ही बताएंगे, हम उनकी रणनीति के ऊपर चलेंगे। ठीक है सर, हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हम दिल्ली जंतर मंतर पर, ये पंजाब से आए हुए कर्मचारी थे, ये बता रहे हैं पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, नई पेंशन स्कीम से इनको क्या फ़ायदा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।